ब्रज की मस्ती के रंग, रघुवीरा की सो होली के संग। और भारत तो वैसे ही पर्व और उत्सव का देश तो है ही। ये सिर्फ ब्रज की होली नहीं, सिर्फ रघुवीर की होली नहीं, कहा जाता है कि शमशान की भभूत लगाए हुए भगवान दिगंबर भी होली खेलते हैं, इसलिए मसाने में होली भी बड़ा गजब का बसता है। और भारत में ये चीज कहा जाता है कि उत्सव और पर्व ऐसी चीज है जो हर किसी की आत्मा के साथ कनेक्टेड है। और भारत में एक और रंग भी है जो सी पूरी छटा, होली की छटा के साथ बिखेरता है, वह है चुनावी रंग। जब बाजार में चुनावी रंग हो, होली का सरोवर हो, तो फिर आप बाजार से कैसे दूर रह सकते हैं। एक खेप बाजार ने तेजी की आपको दे दी है, अब दूसरी खेप इस उत्सव के साथ हम मनाएंगे, इसलिए हमने बाजार पर चुनावी रंग, सारे रंगों को मिला के एक का पूरी पेशकश आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो इस कोशिश में आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, जानिए इस रंगों के त्योहार में, इस उत्सव में कौन से ऐसे शेयर हैं जो आपके पोर्टफोलियो में भी रंग भर देंगे, और ऐसा रंग भरेंगे कि बहुत शानदार, आपको बहुत मजा आएगा। इसलिए चार मेहमान मेरे साथ हैं, श्रीकांत चौहान हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे शेयर्स। सुदीप बंदोपाध्याय साहब हैं, जिनकी बहुत बेहतरीन रिसर्च रहती है शेयर सिलेक्शन के तौर पर। डीडी शर्मा साहब हमारे साथ हैं, आपको कई बेहतरीन शेयर ऑलरेडी आपको पहले बता चुके हैं, आज इस मौके पर उनसे भी जानेंगे। और खास जब चुनाव और होली का रंग हो, भारत की परंपरा की बात हो, उत्सव को लेकर रोंगटे खड़े करने वाला उत्सव हो, तो वीके शर्मा साहब कैसे ना हो। आज हमने शर्मा साहब को स्पेशल रिक्वेस्ट पे इस शो में शामिल किया, उनसे कहा कि आप रुकिए और आप भी जरा कुछ बेहतरीन शेयर बताइए, और भारत के इस उत्सव की इस परंपरा को आप आगे बढ़ाते हुए और जोश भरिए, निवेशकों के बीच में भी और हम सबके बीच में भी। तो शर्मा साहब, वीके शर्मा साहब, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, डीडी शर्मा साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत, श्रीकांत आपका भी स्वागत, और सुदीप साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज इस खास कार्यक्रम में आपने हमको समय दिया। शर्मा साहब, देखिए जी, पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। एक तो अगर होली का रंग हो, वैसे ही आपको पता है ब्रज से लेके और पूरे पश्चिम भारत तक सब जगह होली की अपनी अलग छटाएं, अपने अलग अलग दस्तूर रहते हैं, लेकिन जब चुनावी रंग होता है तो फिर अपने आप में अहम हो जाता है। इस चुनावी रंग में, इस होली की परंपरा के अंदर बाजार आपको कहाँ पे जाता हूँ दिखता है जी? पहले तो आपके दर्शकों को और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर। और मैं मानता हूं कि आने वाला वर्ष अभी तक जितने आपने रंग देखे उससे और ज्यादा निखर कर आएगा। हाँ। और ये हरा रंग ज्यादा होगा, हरा रंग ज्यादा होगा जी। तो अब कुल मिला के एक मैं मोटी, बाकी आपके पास शर्मा जी हैं और सुदीप जी हैं और भी हैं एनालिस्ट, तो आप अच्छे स्टॉक बताएंगे। मैं एक बाजार की मोटी चीज बताऊंगा, वो ये कि अगर हमने 2018 में जो देखा, जितने एफआईज ने सेलिंग की थी 33,000 करोड़ रुपए, उसके उससे कहीं ज्यादा फरवरी 19 के बाद 35,800 करोड़ रुपए एफआई झोंक चुके हैं। तो सेंटिमेंट चेंज हो चुका है, और ये जो सेंटिमेंट चेंज है, ये बाजार आपको मौका नीचे लेने का, कोई सोचे कि मैं नीचे लूंगा, वो मौका आपको दे ही नहीं रहा है। तो आपको जो करना है अभी करना है, थोड़ा बहुत 20-30 पॉइंट को छोड़िए, वो बहुत बड़ी गिरावट मुझे अभी नहीं दिखती है, और हम अपने आप को अंतरराष्ट्रीय बाजारों के मूवमेंट से भी अलग कर चुके हैं। ऐसे माहौल के अंदर मेरे ख्याल से आप इंडेक्स की बात कीजिए, तो जो मुझे लेवल 11,760 तो पहले है, जो रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई अगस्त 2018 में हमने देखा था, जितना 11,760 से नीचे 10,004 तक इंडेक्स गिरा है, उसका अगर हम 138.2% पकड़े जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ऊपर की साइड, तो 12,400 का टारगेट आता है, जो मैं समझता हूँ कि अप्रैल के अंत तक शायद आप वो लेवल भी देख रहे हैं। ठीक है, तो 11 तारीख से तो खैर रिपोर्टिंग का पहला चरण शुरू हो जाएगा, लेकिन वीके शर्मा साहब का जो अपना आकलन है बाजार को लेकर, किसी अप्रैल में जब देश की जनता वोट गिरा रही होगी, तो भारतीय बाजारों पर आपको तेजी की एक बहार दिखेगी, तो ये बहुत शानदार है। तो एक अच्छा एनालिसिस जो कि शर्मा साहब की तरफ से है कि बाजार के अंदर अभी ये रंग और बहेगा, ये हरा रंग अभी और गहरा होने वाला है, इसलिए जल्दबाजी अभी ना की जाए। जब हरा रंग बाजार पे गहरा होने वाला है, जब बाजार चलने वाला है, तो इसमें शेयर कौन से चलेंगे, ये मेरे तीन सहयोगी और हैं मेरे साथ, श्रीकांत जी हैं, सुदीप बंदोपाध्याय साहब हैं, और शर्मा साहब भी हमारे साथ, डीडी शर्मा साहब भी, उनसे करते हैं शुरुआत शेयर जानने की। डीडी शर्मा साहब, स्वागत है आपका, और होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक हो। सर, आपकी तरफ से कुछ बेहतरीन शेयर पहले से भी निवेशकों को मिलते रहे हैं, अब इस उत्सव पे एक शेयर और होली की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो मैं भी आपको, आपकी टीम को और हमारे सारे दर्शकों को होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि ये जो ट्रेंड बदला है पिछले 15 दिन से मार्केट के अंदर, वो अब लगातार जारी रहेगा, और इसके कारण जो इन्वेस्टर्स ने अभी तक पिछले साल में जो बुरी तरह से मार खाई थी,
वो मैं समझता हूँ काफी हद तक आने वाले समय में रिकवर होगी। और मेरा आज का जो पहला शेयर है इस कड़ी में बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है और बहुत ही इम्पोर्टेंट, और एक कहना चाहिए कि अभी जो चलन में है उस सेक्टर में से है, वो है स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर। ओके, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का ये शेयर है जिसका नाम है मेघमणि ऑर्गेनिक्स। मेघमणि ऑर्गेनिक्स तीन वर्टिकल्स में है, एक डाइजन केमिकल्स में है जहां ये इसका एक प्रोडक्ट जो ब्लू पिगमेंट है वो ग्लोबली वहां पर ये मार्केट लीडर है। इसके अलावा दूसरे जो प्रोडक्ट है वहां भी कहीं काफी अच्छा मार्केट शेयर ये रखती है। इसके अलावा ये एग्रोकेमिकल्स में है जहां भी ये काफी अच्छा होल्ड रखती है, और ग्लोबल मार्केट में तो 70% एक्सपोर्ट करती है। डोमेस्टिक मार्केट में ये फॉर्मुलेशंस भी बेचती है और धीरे धीरे उन फॉर्मुलेशंस को ब्रांडेड फॉर्मुलेशन की तरह बेचना शुरू कर रही है। डाइजन केमिकल भी ये 70% के आसपास एक्सपोर्ट करती है। तीसरा वर्टिकल इसका है बेसिक केमिकल्स, जहां कास्टिक और क्लोरीन बनाती है, साथ ही साथ ये एक बहुत हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कास्टिक पोटाश भी बनाती है, जो कि अगेन एग्रोकेमिकल्स में और डाइजन केमिकल्स में काम में आता है और फार्मा में काम में आता है। तो इस तरह ये बहुत ही हाई वैल्यू एडेड केमिकल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है और साथ ही साथ बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है। अगर मैं 9 महीने की बात करूं तो करंट ईयर के 9 महीने में कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 218 करोड़ का आया है 161 करोड़ के सामने, और अर्निंग 9 महीने की आ गई है ₹7.23, जो कि ₹4.76 पिछले 9 महीने में थी और पिछले पूरे साल में ₹6.74 थी। मतलब पिछले पूरे साल की अर्निंग को ऑलरेडी 9 महीने में ये क्रॉस कर चुका है। फुल ईयर में मैं समझता हूँ इसकी अर्निंग ₹10 के आसपास आएगी, और उस केस में करंट भाव पे ये शेयर बहुत अट्रैक्टिव है। 10 का पी भी नहीं है, 6-7 के पी के बीच में अवेलेबल है, जबकि स्पेशलिटी केमिकल कंपनियां जो है आज की तारीख में 15-20 टाइम के ऊपर अवेलेबल है वैल्यूएशन के ऊपर। तो उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि बहुत अट्रैक्टिवली वैल्यूड है, और हो सकता है 2-3 महीने में ही जब ये 12 महीने के पूरे इसके रिजल्ट सामने होंगे तो ये शेयर ₹100 बहुत आसानी से टच कर सकता है, और अगर 12 महीने का टारगेट दे तो उससे भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, आज का ₹60 का शेयर आने वाले दिनों में 100 का हो सकता है। शेयर का नाम है मेघमणि ऑर्गेनिक्स, इस पर रखे ध्यान। हरा निशान ये बता रहा है कि इसके अंदर जबरदस्त तेजी आपको मिलेगी और शर्मा साहब का कॉन्फिडेंस भी है इस शेयर को लेकर। तो मेघमणि ऑर्गेनिक्स आज का पहला शेयर हुआ। सुदीप बंदोपाध्याय साहब भी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, पहले तो बिजनेस को समय देने के लिए, और दूसरा आपको भी और आपके पूरे परिवार को सर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी तरफ से सर। शेयर जी, पहले तो आपको और सारे जी बिजनेस के स्टाफ और दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। एक सेक्टर पे हम लोगों का ध्यान अभी टिका हुआ है। हम लोगों को लगता है कि इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन स्थिति में एक सेक्टर जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव बन रहा है और आने वाले 4-5 साल तक अट्रैक्टिव रहने की संभावना है, वो है सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर में खासियत ये है कि ये यहाँ पे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो इट इज वेरी लोकलाइज्ड। तो लोकल मार्केट पे ध्यान रखना पड़ता है, लोकल मार्केट का डिमांड सप्लाई स्थिति पे ध्यान रखना पड़ता है, और इसको नजर में रखते हुए हम लोगों को लग रहा है कि सेंट्रल इंडिया में बहुत अच्छा सिचुएशन बन रहा है सीमेंट कंपनीज के लिए, जिनकी कैपेसिटी है सेंट्रल इंडिया में उनके लिए। आने वाले 3-4 साल में जो कैपेसिटी बिल्ड हो रहा है और जो डिमांड का प्रोजेक्शन है उसको अगर नजर में रखे तो वेरी क्लियरली डिमांड फार आउटस्ट्रिप सप्लाई। इस स्थिति में बिरला कॉर्पोरेशन को हमने चुना है, दिग्गज कंपनी है और सेंट्रल इंडिया में अच्छा खासा कैपेसिटी है, और ये प्राइसिंग पावर इनका जो अभी दे हैव रीगेन्ड वो हम लोगों को लगता है बहुत दिन तक प्राइसिंग पावर इनके पास रहेगा और इसका फायदा बिरला कॉर्पोरेशन को मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर कंपनी के स्पेसिफिक एफिशिएंसी की बात करें तो वेस्ट हीट जो प्लांट इन्होंने लगाया है उससे इनका एफिशिएंसी बनेगा, क्योंकि वहां से हीट रिकवरी का प्रोसेस चालू होता है और ये इसको एफिशिएंट बनाएगा। दूसरी बात है इनका कैप्टिव कोल माइन जो मध्य प्रदेश में है वहां पे प्रोडक्शन रैंप अप हो रहा है, ये भी कंपनी को अपना कॉस्ट घटाने में और एफिशिएंट बनाने में सहायता करेगी। और एक बहुत बड़ी खासियत है, रिलायंस सीमेंट इन्होंने एक्वायर किया था कुछ दिन पहले, और इस एक्विजिशन के जरिए इनको कैप्टिव लाइमस्टोन रिजर्व्स बहुत अच्छा मिल गया है और लैंड बैंक भी बहुत अच्छा मिल गया है। आने वाले दिनों में कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए बहुत ही एफिशिएंट कॉस्ट में कैपेसिटी एक्सपैंड भी कर पाएंगे। ये सारे अगर फैक्टर नजर में रखे और डिमांड का पोजीशन ध्यान में रखे तो हम लोगों को लगता है कि करंट लेवल पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन पे बिरला कॉर्पोरेशन अवेलेबल है, और यहाँ पे एक साल का नजरिया रख के जरूर खरीदारी की जा सकती है।
विडला कॉर्पोरेशन पर भी ध्यान रखें, एक साल का नजरिया, टारगेट 650 तक का, आज भाव 600 से भी नीचे है, ये शेयर खरीद सकते हैं। श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ हैं। श्रीकांत की एक खासियत है, ये बहुत बेहतरीन शेयर चुनते हैं टेक्निकल बेसिस पर और छोटे में ही बड़ी बात आपको बता देते हैं। तो श्रीकांत, आपकी खूबसूरती आज किस शेयर पे आकर रुकी है? डिम्पी, सबसे पहले मैं आपको और पूरे जी परिवार को, दर्शकों को होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आपको भी सर, और जो हरा रंग है वो गहरा और बने। हम सभी लोग गहरे रंग में ज्यादा मानते हैं और आई थिंक हमने सालों साल वही रंग देखा हुआ है, नो डाउट। लेकिन पिछले दो साल थोड़े से दिक्कत वाले थे, ठीक है, लेकिन इस बार काफी सारे स्टॉक काफी अच्छे हुए हैं। और आपको पता ही होगा कि जो रूलिंग पार्टी है उसके शायद अगर बहुमत के ऊपर अगर बात किया जाए तो मुझे लगता है उसी वजह से पीएसयू स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी बनी है। जो मेरे स्टॉक्स है वो शायद जो मैं फोकस कर रहा हूँ मैं उन्हीं के ऊपर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि प्री इलेक्शन हम एटलीस्ट उन स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखते हैं। बिल्कुल, साथ साथ मैंने कुछ फाइनेंस के भी स्टॉक्स चुने हैं। IDFC फर्स्ट, ये जो प्राइवेट बैंक है उसे मैंने सबसे पहले बाय करने के लिए चुना है, और उसका रीजन ये है कि उसमें काफी अच्छा एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ है। जो भी हमारे टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर जो भी व्यूज आते हैं उनको जो दर्शक देखते हैं उनके लिए काफी मैं बोलूंगा कि इंटरेस्टिंग एपिसोड हो सकता है, क्योंकि मैंने जितने भी जो मेरे आइडियाज चुने हैं वो सब एक फॉर्मेशंस के ऊपर चुने हैं और ये फॉर्मेशंस लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे वर्क करते हैं। तो IDFC फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें काफी अच्छा ग्राउंडिंग बॉटम बना है और पिछले साल अप्रैल 2018 में इसके जो लेवल्स थे वो लेवल्स से तकरीबन 50 के करीब के थे। उसके बाद इसमें अच्छी एक गिरावट देखने को मिली, एक मर्जर देखने को मिला, और उसी वक्त स्टॉक ने जो एक लो बनाया था वो था 30 रुपए के करीब का, 30-32 रुपए के करीब। उसके बाद उसमें वापस एक हमने अच्छी रिकवरी देखी है। तो ये ओवरऑल जो फॉर्मेशन बना है डीपी वो एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन है और उसको ये पर्टिकुलर स्टॉक ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, यानी उसके रेजिस्टेंस को क्रॉस कर चुका है। तो उसको जो नेक्स्ट लेवल्स है वो है 70 रुपए के करीब के है, और जो मेरे टारगेट्स है ये IDFC फर्स्ट के ऊपर बाय करने के लिए वो 70 रुपए के करीब के है, और मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 47 के करीब का। डिम्पी, यहाँ पे जो बाय करना है वो दो ट्रांच में करना है, ठीक है, एक करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है और आने वाले दिनों में अगर शायद कोई करेक्शन देखने को मिले तो 50 के करीब इसे और लिया जा सकता है, ठीक है। दो हिस्सों में करें खरीदारी, लेकिन आपको एक अच्छा टारगेट मिलेगा जो कि 70 रुपए के आसपास का है, अभी भाव 50 के आसपास के रुके हुए हैं। तो श्रीकांत का पहला शेयर IDFC फर्स्ट, जो कि आपको अव्वल नंबर पे आपको रखना है अपनी खरीदारी की लिस्ट में। वीके शर्मा साहब भी हमारे साथ हैं। शर्मा साहब, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस अभी करके बताया जो FIs का, इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा शेयर जो कि चुनावी रंग से भी ठीक हो और वैसे भी पक्का हो, प्रमोटर के लिहाज से भी ठीक हो और बैलेंस शीट के लिहाज से भी ठीक हो। जी, बड़े स्टॉक तो मैं जिक्र कर चुका हूँ आपके साथ पिछले कुछ दिनों में, अभी एक समय है थोड़ा मिड कैप स्टॉक देखने का। तो वो एक स्टॉक है जिसका नाम है क्वेस्ट इंडिया। ओके, ये क्वेस्ट इंटरनेशनल, ये जो कंपनी है ये आउटसोर्सिंग करती है मैन पावर की। ओके, और अंतरराष्ट्रीय कंपनी है, भारत और बाहर के देशों में भी इसका बिजनेस है। ओके, और इसने लगातार कंपनी को एक्वायर किया है, करीब 23 कंपनी एक्वायर कर चुकी है। तो ये जो साल है जो चला गया इसके अंदर इन्होंने कंसोलिडेशन फेस का दिया है। प्रमोटर्स ने बोला कि हमारा शायद मार्जिन थोड़ा घट सकता है इन दिनों में, और लेकिन हम बिजनेस को कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो जितने भी कंपनियां ली हैं उनको सही ढंग से उनके प्रॉपर खांचे में डाल रहे हैं, और अब आने वाले समय के अंदर हम मार्जिन में एक्सपेंशन पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरा मानना है कि अगले दो साल के अंदर ये कंपनी टर्नओवर में, वॉल्यूम्स में तो शायद 20%, लेकिन अपने नेट प्रॉफिट लेवल के ऊपर करीब जो ग्रोथ देगी 35-40% का दे सकती है। तो हमारा पुरानी पहले का दिया हुआ है कंपनी टारगेट तो वो तो 890 का है। आप इन्वेस्टर अभी 15-20 रुपए स्टॉक कभी भी गिर सकता है, आप उस हिसाब से खरीदे, लेकिन 890 का टारगेट आपको शायद 3-6 महीने के अंदर ही देखने को मिल सकता है, ठीक है। हमारा ये मानना है कि एक बार जब ये अनाउंस कर देगी कंपनी कि ये रिजल्ट ठीक है, अब हम ग्रोथ मोड में वापस आ गए हैं, कंपनी की री-रेटिंग होगी, कंपनी की क्रिय रेटिंग हो सकती है। 890 आप पहले बताए इसका टारगेट, ठीक है, 890 के टारगेट के लिए एक बार क्वेस्ट कॉपी पे ध्यान रख सकते हैं। वैसे भी चुनावी रंग है तो जहां पर भी नौकरियों की बात होगी, भर्तियों की बात होगी, एक तो ये फ्लेवर होगा और दूसरा कंपनी अच्छी है, प्रमोटर ठीक है और बैलेंस शीट पे ठीक है, सिर्फ एक कमेंट्री का इंतजार है। जिस दिन होगा तो उस दिन बहुत जबरदस्त मूव होगा। 890 का टारगेट क्वेस्ट कॉर्प में आप एक बार रख सकते हैं। आगे वापस मैं लौट रहा हूँ एक बार डीडी शर्मा साहब के पास। शर्मा जी, आपका दूसरा शेयर कौन सा है? देखिए, मेरा दूसरा शेयर भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, ये अगेन फर्टिलाइजर केमिकल्स और
एक्सप्लोसिव के फील्ड में है और बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट की कंपनी है, लेकिन रिसेंट पास्ट में कुछ परफॉर्मेंस पुअर होने के कारण ये स्टॉक काफी नीचे आ गया है और इसका नाम है दीपक फर्टिलाइजर। दीपक फर्टिलाइजर वैसे फर्टिलाइजर कंपनी कहते हैं लेकिन फर्टिलाइजर में ये ऑलमोस्ट 20% ही है, 80% इसका बिजनेस दूसरे वर्टिकल से आता है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्टिकल से 10 का ट्राई अमोनियम नाइट्रेट जो कि एक तरह का एक्सप्लोसिव है और माइनिंग के अंदर काम में आता है, और इस फील्ड के अंदर या इस सेगमेंट के अंदर ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी और डोमिनेंट मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी है। ऑलमोस्ट 80% जो है इस प्रोडक्ट का मार्केट शेयर इस कंपनी के पास में है और इसके अंदर ये मोस्ट इफिशियंट कंपनी है। और यहाँ पर अपन सब जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ जितनी ज्यादा होगी उतनी माइनिंग एक्सप्लोसिव्स की डिमांड बहुत इंप्रूव होगी और वहां पर ये कंपनी मार्केट लीडर है। दूसरा इसका वर्टिकल है वो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल IPA जो कि एक बहुत ही हाईली स्पेशलिटी केमिकल है और ये केमिकल एज ए इंटरमीडिएट काम में आता है बहुत सारे एग्रोकेमिकल्स के लिए और बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स के लिए। ये दोनों प्रोडक्ट इनके मेजर कंट्रीब्यूटर है, ऑलमोस्ट 75-85% रेवेन्यू जो है इन फील्ड से आता है, 20% के आसपास जैसे मैंने बताया फर्टिलाइजर से आता है। फर्टिलाइजर में इन्होंने रिसेंट पास्ट में एक्सपेंशन किया था और रिसेंट पास्ट में एक और चीज हुई है कि गवर्नमेंट ने जो है फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है वो बहुत फास्ट डिस्पर्स करना शुरू किया है, इसके कारण कैश फ्लो इंप्रूव हो रहे हैं। रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ नेगेटिव चीजें हुई थी जिसके कारण जो रिसेंट पास्ट की परफॉर्मेंस है वो उसकी कंपनी की खराब हो गई थी। उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो कुछ इन्वेंट्री लॉसेस थे बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी इन द रॉ मेटल प्राइसेस या जो इन्वेंट्री थी उसके अंदर। दूसरा वाटर शॉर्टेज थी इनके IPA प्लांट के पास में उसके कारण, प्लस शॉर्टेज ऑफ रॉ मेटल भी थी कुछ प्रोडक्ट्स की और इसके कारण कंपनी की परफॉर्मेंस जो है रिसेंट पास्ट में सफर हुई है। लेकिन अब चीजें नॉर्मलाइज हो रही है और अगले साल मैं समझता हूँ कंपनी एक तरह से नॉर्मल ऑपरेशन करेगी और नॉर्मल ऑपरेशन करेगी तो इस कंपनी की अर्निंग जो है नेक्स्ट ईयर करीब 26-28 रुपए तक की इस कंपनी की अर्निंग आ सकती है और आगे जाकर के तो पोटेंशियल इतना है क्योंकि ये बहुत सारी चीजों में इन सब में एक्सपांड भी कर रही है। IPA की कैपेसिटी भी ये बढ़ा रही है, ट्राइअमोनियम नाइट्रेट की कैपेसिटी भी बढ़ा रही है, फर्टिलाइजर की ऑलरेडी बढ़ा चुकी है, कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है। इन सब चीजों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि जो FY20 की एक्सपेक्टेड 26-28 रुपए अर्निंग है उसको देखते हुए 12 महीने में इसका भाव 280 रुपए तक हो सकता है और आगे जाकर के और भी अच्छा हो सकता है क्योंकि अगर ट्रू पोटेंशियल फुल यूटिलाइजेशन होगा इन कैपेसिटीज का तो उस समय इस कंपनी की अर्निंग नॉर्मल मार्जिन लेवल पे 45-50 रुपए आ सकती है जो कि अगले 2 साल में पॉसिबल है, 2-3 साल में। तो मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म आउटलुक तो और भी ज्यादा अच्छा है और ये कंपनी जो है काफी लिबरल रही है, डिविडेंड अच्छे देती है शेयर होल्डर्स को और उन सब जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए मैं समझता हूँ एक बहुत ही अट्रैक्टिव बाई है करंट प्राइस के अंदर। ठीक है, दीपक फर्टिलाइजर 280 के टारगेट के लिए करें इस पे खरीदारी। शर्मा जी का दूसरा शेयर है, इससे पहले मेक मनी ऑर्गेनिक्स में बता चुके हैं। सुदीप साहब मैं वापस आ रहा हूँ, जब सीमेंट को लेकर आपकी रिसर्च बड़ी पुख्ता है और मेरे को ध्यान है जब जब आपने सीमेंट के सेक्टर के बारे में रिसर्च करके बताया तो वो शेयर अच्छे चले भी, तो एक शेयर नहीं होगा आपकी लिस्ट में पक्का, आपको कोई ना कोई दूसरा सीमेंट कंपनीज में भी आपकी नजर होगी, अगर है तो सर वो भी बता सकते हैं आप। जी बिल्कुल है, जैसे मैंने जिक्र किया सेंट्रल इंडिया में हम लोगों का नजर है क्योंकि वहां का जो बिल्डअप है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है सीमेंट कंपनीज, और सीमेंट में जैसे मैं जिक्र पहले भी कर रहा था लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप साउथ में सीमेंट प्रोडक्शन करके उसको नॉर्थ में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, तो लोकल एरिया में मैन्युफैक्चरिंग में जिसका स्ट्रेंथ है और जहां पे डिमांड ज्यादा आ रहा है उसी पे फोकस करना चाहिए। इसी लिहाज से हाइडलबर्ग सीमेंट इनका भी आई थिंक जो सेंट्रल इंडिया में बहुत अच्छा बेस है, बहुत अच्छा एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है और ग्लोबल पेरेंटेज है और ये डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्राइसिंग पावर बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं ब्रांड रिकॉग्निशन के कारण, तो इस पे हमारा ध्यान लगा हुआ है। हम लोगों को लगता है कि ये 200 रुपया तक एक साल के अंदर जा सकता है। यहाँ पे और एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक जमाने में हाइडलबर्ग सीमेंट का एफिशिएंसी लेवल बहुत ही अनएक्सेप्टेबल हुआ करता था और आज के दिन में इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट प्लेयर माना जाता है, बहुत अच्छा एफिशिएंसी का इंप्रूवमेंट किया है, वो आप पावर कंजम्पशन से लेके यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर हर पैरामीटर पे इन्होंने एफिशिएंसी बढ़ाया है जिसके कारण इनका जो आज के दिन में जो एफिशिएंसी है वो बेहतरीन है। और एक खासियत यहाँ पे है क्योंकि परफॉर्मेंस सीमेंट कंपनीज का जो एक्सपेक्टेशन था उसके मुताबिक नहीं आया था तो वैल्यूएशन बहुत ही नीचे है
और करेंटली जो वैल्यूएशन पे अवेलेबल है करीब 80-85 पर टन के हिसाब से अगर आप हिसाब करें रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इस हिसाब से अवेलेबल है. और नॉर्मल रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ ए सीमेंट प्लांट आज के दिन में करीब 120-130 पर टन आता है. तो अगर आप देखें वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे हाइडलबर्ग सीमेंट काम कर रहा है. तो हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे अगर निवेशक निवेश करे तो अच्छा खासा फायदा मिल सकता है. 1-2 साल डेफिनेटली शुड बी वेरी गुड फॉर सेंट्रल इंडिया बेस्ड सीमेंट कंपनीज. ठीक है, तो हेडलबर्ग सीमेंट एक और होगा. इससे पहले बिरला कॉर्पोरेशन भी आप बता चुके हैं. हेडलबर्ग का जो टारगेट है वो 200 रुपए है, ये खरीदारी के तौर पर है. श्रीकांत, एक शेयर का मैं गेस कर सकता हूँ जो आपने चुना होगा. एक तो सरकारी कंपनी और दूसरा टेक्निकल पैटर्न जब देख रहे थे तो वायदा बाजार में बार बार आने वाला बैन में और जाने वाला शेयर है वो BML तो नहीं आपका दूसरा शेयर? बिल्कुल क्योंकि जैसे आप टेक्निकल की बात देख रहे थे और आपने सारा चुनाव वाला रंगत लाया, मेरी नजर बार बार वही जा रही थी कि और कौन सी ऐसी सरकारी कंपनी होगी जो श्रीकांत की लिस्ट में हो सकती है. बताइए, इनफैक्ट आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि आपने जितने भी बार शोज किए, अपने जो भी आपके गेस्ट रहते हैं उनके आप स्टॉक गेस कर लेते हो. बिल्कुल, और आपकी सही पकड़ है. और भारत अर्थवर वैसे मेरा काफी लाइक फेवरेट स्टॉक रहा है, लेकिन पिछले साल हमने काफी अच्छी पिटाई देखी थी. हाँ, बिल्कुल, 1800 से लेके ये स्टॉक गिरा था और 550 के करीब आया था. लेकिन अगर आप पिछले वापस अगर 6-7 महीने से अगर इसके फॉर्मेशन को अगर आप ट्रैक करते हो और जैसे मैं टेक्निकल्स देखता हूँ तो उसमें काफी अच्छा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन वीकली मंथली बेसिस पे बना हुआ है. ये इंडिकेट करता है कि वापस ये स्टॉक में अच्छा खासा माल जमा हुआ है और इसका जो नेकलाइन रेजिस्टेंस होता है वो भी ये ब्रेक कर चुका है. तो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो स्टॉक है वो आने वाले दिनों में 1350 से लेकर 1400 के लेवल्स को छू सकता है. करंट लेवल से अगर आप बात करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हम 550 से लेकर 950 की रैली ऑलरेडी देख चुके हैं. लेकिन अगर आप इसके ओवरऑल लाइक पैटर्न के फॉल को देखोगे तो इसमें जो गुंजाइश है वो काफी बड़ी है. और इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर शायद इसमें कोई रिट्रेसमेंट अगर आए तो वो मैक्स रिट्रेसमेंट आ सकता है 900 रुपए के करीब करीब का. और इसी वजह से जो मेरे स्टॉप लॉस है वो तकरीबन 890 के करीब के है और 2 ट्रांचेस में इसे भी बाय करना पड़ेगा क्योंकि काफी सारे स्टॉक चल चुके हैं. टारगेट्स रहेंगे 1370 से लेकर 1400 के और करंट लेवल से इसे बाय किया जा सकता है. ठीक है, इसको भी आप बाय करें BML को और इसमें टारगेट 1370 के, बड़ा टारगेट है 1370 और अभी चल रहा है 870. पिटा हुआ शेयर अगर चले तो कहते हैं कि घायल शेयर और तेजी से हमला करता है. ये कुछ वैसा ही है BML के अंदर, ये चला तो 1000 और उसके बाद के नए लेवल्स भी आपको दिखा सकता है. खैर सुदीप सर, एक शेयर में आपसे और जानना चाहता था, लॉजिस्टिक को लेकर भी आपकी काफी शानदार रिसर्च रही है. क्या कुछ लॉजिस्टिक का शेयर भी है आपके पोर्टफोलियो में? अनुमान किया है. VRL लॉजिस्टिक्स एक कंपनी है जो कि बहुत ही पिटा हुआ है इन दिनों में. पर अगर आप देखेंगे ये लार्जेस्ट फ्लीट ओनर, 4400 प्लस व्हीकल्स ऑपरेट करते हैं, इनके जो 700 प्लस ब्रांचेस और आप 200 प्लस एजेंसीज, 40 प्लस डिपोज, इसके जरिए ये बिजनेस चलाते हैं. और एक वॉल्यूम होने के कारण, सबसे बड़ा फ्लीट ओनर होने के कारण इनका बार्गेनिंग पावर विद सप्लायर्स कस्टमर्स बहुत अच्छा हो जाता है. और यहाँ पे खासियत ये है कि लेस देन ट्रकलोड LTL सेगमेंट जो कहते हैं हम, वहां पे ये लीडर है. और ये लीडरशिप के कारण इनका रेवेन्यू जो रियलाइजेशन होता है LTL सेगमेंट में ज्यादा आता है. तो यहां पे ये फोकस और भी बढ़ा रहे हैं अपना. GST के टाइम एक्सपेक्टेशन था कि बहुत फायदा मिलेगा लॉजिस्टिक्स कंपनीज को. अनफॉर्चुनेटली जो उथल पुथल हुआ GST को लेके, ई वे बिल इंप्लीमेंटेशन में देर हुआ, ये सबका सबके कारण लॉजिस्टिक्स कंपनी को थोड़ा धक्का लगा था, VRL को भी लगा था. पर आने वाले दिनों में GST स्टेबिलाइज हो रहा है, ई वे बिल इंप्लीमेंटेशन स्मूथ हो रहा है और इम्प्रूव हो रहा है. इसके चलते हम लोगों को एक्सपेक्टेशन ये है कि इलेक्शन के बाद जब नई सरकार आ जाएगी तब बाकी जो भी आई वुड से कि जो रिंकल्स है GST और ई-वे बिल में वो भी शायद स्मूदन हो जाएगा और VRL लॉजिस्टिक्स प्रोबेबली विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी. और एक बात है, रीसेंट पास्ट में जो एक्सेल लोड बढ़ाया है सरकार ने, उसका बहुत बड़ा, सबसे ज्यादा बेनिफिट एक्चुअली VRL क्योंकि लार्जेस्ट फ्लीट ओनर है इनको ही मिल रहा है. 15% कैपेसिटी एडिशन हो गया है ऑटोमेटिकली विद द एग्जिस्टिंग फ्लीट्स. एफिशिएंसी बढ़ रहा है और करंट लेवल पे अगर आप देखेंगे लिस्टिंग के बाद से शायद सबसे ज्यादा पिटा हुआ है VRL लॉजिस्टिक्स. तो करंट लेवल पे अगर खरीदारी की जाए तो हम लोगों को लगता है कि 400 रुपया तक प्राइस एक्सपेक्ट किया जा सकता है विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर.
खैर इस बीच वियर एंड लॉजिस्टिक अपने आप में चलने वाला शेयर है, इसलिए 400 रुपए तक का टारगेट रखें। आपका आज का जो भाव है वो 270 के आसपास का है।